अब हमारे पास जो डिराइव हो चुकी थी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, उसकी हमारे पास एप्लीकेशन हुई डिफरेंट जगहों पे, हमारे पास डिफरेंट तरह से इसको यूज किया गया, ठीक है। और हमारे बाद एक चीज पता चली हमारे का माइकलिस मेंटन एक्सप्लेन जो है वो कुछ फीचर्स कर रही है, ठीक है। और हमारे पास उसके अगर ग्राफ को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था वी, जिसको हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे, रेट रिएक्शन रेट की बात कर रहे थे। एस जो है वो सबस्ट्रेट को डिफाइन कर रहा था। और हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास अगर इस कर्व को देखें तो हमारे पास 50% ऑफ वी मैक्स जो है उसको केएम कह रहे थे, और फिर हमारे पास वी मैक्स 100% था। तो ये चीज हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली केएम को हमारे पास जो है फाइंड करना हमारे पास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, कि हमारे पास क्योंकि ये हाइपरबोलिक कर्व था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि वी नीड स्ट्रेट कर्व इंस्टेड ऑफ हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमें स्ट्रेट कर्व चाहिए इंस्टेड ऑफ हाइपरबोलिक कर्व। इसके लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह से वर्क करना स्टार्ट किया और डिफरेंट तरह से चीजें स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद हमारे पास एक और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कि हमारे पास जो हाइपरबोलिक कर्व नहीं चाहिए तो, और हमें स्ट्रेट कर्व चाहिए, तो इसलिए हमारे पास जो भी कर्व होगा उसको रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर पूरा आना चाहिए। और लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। यहां पे हमारे पास ए जो है ये इंटरसेप्ट को डोनेट करता है, ठीक है। जो बी है ये हमारे पास स्लोप को डोनेट करता है। एक्स जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और वाई जो है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और हमारे पास अकॉर्डिंग टू लीनियर रिग्रेशन जो हमारे पास कर्व अचीव होता है वो बाद में हमारे पास कुछ इस तरह का, ठीक है। और हमने कहा जी कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और हमारे पास a जो है ये डोनेट कर रहा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे आके ये हमारे पास कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप, दैट इज अवर बी, ठीक है। ये हमारे पास बी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। सो इस सारी चीज को देखते हुए हमारे पास क्या हुआ, लेटर ऑन लाइन वी वो बर्क प्लॉट और इक्वेशन जो है हमारे पास डिराइव की गई, ठीक है। लाइन वीवर ने हमारे पास क्या किया, हमारे पास इसी तरह से मॉडिफाई किया उसने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को, और उसने हमारे पास इसमें चेंजेस किए हैं। तो हमारे पास क्या किया उसने, सबसे पहले क्या किया, सिंपली बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन, उसने क्या कर दिया, माइकलिस मेंटन इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लिया। तो सबसे पहले हमारे पास जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी वो क्या थी, इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इनटू एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस, दिस वाज अवर माइकलिस मेंटन इक्वेशन। सो वी कॉल्ड इट इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब उन्होंने जब इसका क्या किया जी, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, अब हम इसका लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो भी चीज है उसको डिवीजन में ले जाए। तो हमारे पास वन बाय बी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू। अब होता ये है कि हमेशा हमारे पास मैथमेटिक्स एक रूल है जिसमें हमारे पास जो के एम है, ठीक है, के एम जो है अगर सॉरी हमारे पास जो थर्ड थर्ड नॉमिनेटर नॉमिनेटर का जो नॉमिनेटर होता है वो हमेशा जो है थर्ड फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। सो बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन बी नॉट इज इक्वल टू थर्ड थर्ड प्लेस से जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, के एम प्लस एस डिवाइडेड बाय वी मैक्स इनटू एस, दिस विल बी इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो थोड़ी सी हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेटेड है, हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है बाय सिंप्लीफाइंग। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई हम करेंगे इसको वन बाय बी और वी नॉट इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, जो ये वी और वी नॉट की सिमिलर चीजें कुछ लिटरेचर में हमारे पास वी यूज किया जाता है रेट के लिए, और कुछ जगहों पे हमारे पास वी नॉट यूज किया जाता है। सो इट विल बी के एम प्लस एस डिवाइडेड बाय
v max into s. This was our equation. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो हमारे पास जो प्लस का साइन है, हमने क्या करना है इसको, हमने एलसीएम ले लिया, दोनों तरफ हम इसको स्प्लिट करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो इट विल बी के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस प्लस एस डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस. अब यहाँ पे हम देखेंगे ये एस और एस आपस में कट गया, सो इट विल बी वन ओवर वी नॉट इज इक्वल टू के एम डिवाइडेड बाई v max into s plus 1 over v max. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन चेंज हो गई है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली रीअरेंज कर देंगे पूरी इक्वेशन को. जब हम इसको रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को, तो इट विल बी 1 over v or v not is equal to 1 over v max plus km divided by v max into 1 over s. चीज वही है, थोड़ी सी हमने इसको क्या कर दी है, चेंज कर दिया. नाउ दिस इक्वेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अवर लीनियर रिग्रेशन, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी इक्वल आ गया. दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x. तो हम अगर इसका प्लॉट अब यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का प्लॉट था वो ये था, y जो हमारे पास बन रहा था. अब देखें हमारे पास y क्या है, y ये है. अब y कहाँ पे होना चाहिए, दैट इज 1 ओवर v नॉट. 1 ओवर v नॉट हमारे पास यहाँ पे आ गया. उसके बाद रिग्रेशन कह रहे हैं जी कि हमारे पास x जो है यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो x इज इक्वल टू 1 ओवर s. 1 ओवर s इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास a जो है हमारे पास इंटरसेप्ट पे आएगा. ठीक है, हमारे पास इंटरसेप्ट पे, और a हमारे पास क्या है, 1 ओवर v मैक्स. और स्लोप हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आएगा, दैट विल बी ओवर के एम बाय v max. So this is our line weaver work plot. और इसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास इश्यू था कि हमारे पास हाइपरबोलिक कर्व में हमारे पास कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती थी, डिफरेंट हो जाती थी. तो हमारे पास लाइन व्यूअर वर्क ने उस इशू को रिजोल्व कर दिया, और हमारे पास जितनी भी चीजें थी उनको हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ले आया, और हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशंस हमारे पास बहुत ज्यादा इजी हो गई. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, जिसमें हमारे पास लाइन व्यूअर वर्क के थ्रू जो है हमारे पास उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके स्ट्रेट लाइन कर्व अचीव किया गया.